अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर से होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी न्यूट्रॉन फेस वन में खड़ा हुआ हूँ, साहिल समंदर पे नहीं खड़ा हुआ हूँ, मगर आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो है पानी पानी हुआ पड़ा हुआ है। तो इतना ज़्यादा पानी, ये रात बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश रात चल रही है, यानी कि कोई 1-2 बजे से होना शुरू हुई, अभी तक मुसलसल बारिश हो रही है। तो मैं अभी बारिश के मौसम में बाहर निकला हूँ, मैंने आप दोस्तों को जाके दिखाता हूँ कि रोडों पे कितना पानी इकट्ठा हो गया है और शहर के क्या सूरत हाल है। तो चलें, मैं आपको आज गवादर विज़िट कराता हूँ कि गवादर की बारिश के दौरान क्या पोजीशन होती है। तो गवादर में यकीन जाने कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी करे। तो अभी चलते हैं गवादर के विज़िट पर। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा पानी, यकीन करें कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बारिश का पानी गवादर के अंदर कहां से आ गया है। गवादर में मैं तकरीबन 5-6 साल से यहां रह रहा हूं, तो मैंने 6-7 साल के अंदर ये पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश मैंने गवादर में देखी है, जो मुसलसल बारिश चल रही है और रुकने का नाम नहीं लेती है। तो अभी ये जो न्यूट्रॉन के ये पोजिशन है, तो मैं बताऊँगा ओल्ड सिटी के क्या हालात होंगे। समंदर में भी बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है, लहरें बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची आ रही है। तो ये चारे मेहनत कश जो मछेरे हैं, ये अपनी कश्तियाँ समंदर से बाहर निकाल रहे हैं ताकि हमारी कश्तियाँ डूब नहीं जाएं, क्योंकि ये एक कश्ती जो इनकी है, मुझे मालूम हुआ कि 30-35 लाख रुपए की होती है। फ्रेंड्स, ये समंदर की मौजें चेक करें आप, कितनी ज़्यादा माशाल्लाह इसकी लहरें आ रही है। तो ये समंदरी तूफ़ान बता रहे हैं कि गवादर में आया हुआ है, जो बारिश का जो सिलसिला है ये समंदरी तूफ़ान की वजह से चल रहा है गवादर सिटी के अंदर। तो गवादर सिटी के साथ ये पूरी साहली पट्टी है जो कराची तक जाती है, तो हर जगह है, मगर गवादर पे ज़्यादा इसके असरात हैं। तो आप देखें कि कितनी ऊंची लहरें यहाँ पे आ रही है, तो मुझे खुद को भी डर लग रहा है कि अल्लाह रहम करे, क्योंकि रात मुसलसल से बारिश चल रही, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो किंग बेकरी पे जाते हैं, समोसे लेते हैं, पकोड़े लेते हैं वहाँ से। यार, बेकरी पे भी बड़ा रश लगा हुआ है, बारिश हो रही है मुसलसल। तो आपको पता है कि बारिश के मौसम में समोसा ज़्यादा खाया जाता है, और किंग बेकरी तो गवादर की मोस्ट फेमस बेकरी है।
के अंदर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की बारिश चल रही है। मेरे हाल देख रहे हैं कि मैं भी पूरा भीगा हुआ हूँ, मगर मैं अपने फ्रेंड्स को एंजॉय कराने के लिए गवादर के व्यू तो मैं निकला हुआ हूँ बारिश के मौसम में बाहर। तो मैं ये सिर्फ आप दोस्तों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप दोस्तों को पता पड़े कि गवादर के अंदर माशाल्लाह बारिश के अंदर क्या मौसम, किस तरह का माहौल होता है। तो मैं अभी मेरिन ड्राइव पे खड़ा हूँ, ये गवादर की मोस्ट फेमस रोड है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं अभी मेरिन ड्राइव पे आया हूँ, बरसात अभी भी ठीक ठाक चल रही है। मैं अभी एक दीवार के साए पे खड़ा हुआ हूँ। तो गवादर का जो नया शहर है, यानी कि उस तरफ तो अभी कुछ बारिश का पानी कम था, मगर जो ओल्ड सिटी का जो मैं हालात देखे ना, यकीन जाने के पूरी ओल्ड सिटी डूबी हुई है। रात तकरीबन 2-3 बजे से बरसात चली है, तो कंटिन्यू बरसात चल रही है। तो समंदर में भी बहुत ज़्यादा तूफान है, दुगानी यानी कि लहरें बहुत ऊपर ऊपर आ रही है। तो मैं भी अभी, मुझे भी ठंड लग रही है माशाल्लाह, हवाएं चल रही है बहुत ज़्यादा और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बस 5-10 मिनट के लिए रुकती है तो फिर स्टार्ट हो जाती है। आप पीछे मेरे देख रहे हैं खजी के दरख्त, तो किस तरह से ये हिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तूफानी बरसात चल रही है। तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी करे। तो मैं अपने व्लॉग का भी एंड करने लगा हूँ। तो जिंदगी रही तो फिर कल इंशाल्लाह फिर एक और व्लॉग में कल आप दोस्तों से मिलेंगे। आप अपने दोस्त जायद बोजार को इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मुझे सपोर्ट करनी है, ये आप दोस्तों के से रिक्वेस्ट करता हूँ। और इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपने दोस्त जायद बोजार को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।